वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मई का मंथ शुरू हो गया है और अभी इस भीषण गर्मी में हम कौन से वैसे प्लांट नर्सरी से लेके आए जो इन गर्मी में भी पूरे अक्टूबर से लेके नवंबर तक आपको फूल दे सके। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं, समर में दो तरह के प्लांट होते हैं। एक होता है कि गर्मी में भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन कुछ जो हार्डी होते हैं और कुछ जो नाजुक होते हैं जो जून की गर्मियों में फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उन हार्डी प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो इस वक्त भी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और आगे भी नवंबर तक खिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से परमानेंट फ्लावर प्लांट हैं जो इस पूरे गर्मी बहुत अच्छे से और लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग मेरे सामने ये जो प्लांट देख रहे हैं, मेरा फेवरेट प्लांट में से एक है और ये मुसंडा का प्लांट कहलाता है। और ठंड में अगर आप लोगों ने मेरे गार्डन में, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने ध्यान दिया होगा तो ये अपने पूरे लीव्स गिरा देता है और पूरे समर ये फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन एक इसमें बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट, कि ये जो आप इसकी रेड पत्तियाँ देख रहे हैं ये रियल में फ्लावर नहीं है, ये ब्रैकेट्स हैं जो फूलों के किनारे किनारे रहते हैं। और जो मेन फूल होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये आप लोग यहाँ पे देखें, ये कल के खिले हुए फ्लावर हैं और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, ये खुले हुए हैं। इतने छोटे से फ्लावर होते हैं जो मुश्किल से विजिबल होते हैं। और यहाँ पे देखें, ये आपको फ्लावर दिख रहे हैं जो अभी कलियाँ बनी हुई हैं, ये अभी खिले नहीं हैं, येलो कलर के होते हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसके ये ब्रैकेट्स ही देखने में लगते हैं जो लगातार अभी से 3-4 महीने तक इस प्लांट पर बने रहेंगे और ये आपके गार्डन में बहुत वाइब्रेंट कलर बिखेरता है। इसमें मेरे पास दो वेराइटी है, एक पिंक कलर का है जो अभी उसमें ब्रैकेट्स नहीं बने हैं लेकिन वो अभी प्रोसेस में है, कभी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें एक वाइट भी आता है लेकिन वाइट वाला मेरा प्लांट ख़राब हो गया क्योंकि वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है। जिन जगहों पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पर आप वाइट वाले को ज़रूर लगाएँ क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं और डेलिकेट भी होते हैं। तो और जो ये रेड और पिंक वाले हैं ये काफ़ी हार्डी होते हैं, टफ प्लांट्स हैं। अभी जो मैं ये प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसे डेजर्ट रोज भी कहा जाता है, अडेनियम भी कहा जाता है। और ये प्लांट जितनी ज़्यादा धूप होती है उतना ही बेहतर इसका कलर निखर के आता है। ये प्लांट अभी अगर आप लोग नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी में बहुत सारे कलर में अवेलेबल हैं और ये एकदम राइट टाइम है कि आप नर्सरी से इस प्लांट को घर लेके आएं और देखें कि ये कितना सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि मैंने इसे कटिंग से लगाया है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग नर्सरी से लेके आएं, उसके बाद उससे कटिंग से प्लांट बनाएं, क्योंकि कटिंग से प्लांट लगाने से वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं और फिर आपका पूरा समर बीत जाएगा। इसलिए नर्सरी से प्लांट लाएं, ग्रो करें और उससे बहुत सारे प्लांट बनाएं। इसके बाद जो प्लांट आता है जो काफ़ी दिनों तक जिसके फ्लावर प्लांट पे लगे रहते हैं वो है चंपा, जिसे प्लूमेरिया भी कहते हैं। और आप देखें इसमें भी इतनी सारी वैरायटी आती है, आप इसके कलर देखें और इसमें इतनी भीनी भीनी खुशबू होती है कि आपका मन खुश हो जाएगा। और इस प्लांट को भी आप नर्सरी से लेके आएं, क्योंकि इस प्लांट को जब हम कटिंग से लगाते हैं तो वो 2 से 2.5 साल ले लेते हैं फ्लावरिंग करने में। और हम सोचते रहते हैं कि कटिंग से हमने लगाया हमें फ्लावर क्यों नहीं मिल रहे। तो कोई भी जो प्लांट हम लगाते हैं जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आती तब तक वो फ्लावरिंग नहीं करता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आपको वेट ना करना पड़े, इसलिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप नर्सरी से इस प्लांट को लाएँ, क्योंकि हर प्लांट का एक ग्रोइंग पीरियड रहता है। जो प्लांट विंटर में ग्रो करते हैं उन्हें विंटर में ही ख़रीदना चाहिए और जो प्लांट गर्मियों में ग्रो करते हैं उन्हें गर्मी में लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब हम नर्सरी जाते हैं तो वहाँ पे खिले हुए फ्लावर देख देख करके हमारा मन कर जाता है, हम बिना सोचे समझे
बिना उसके क्लाइमेट उसका बिना जाने हुए हम उसे घर ले आते हैं और फिर वो प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाता है या फिर फ्लावरिंग नहीं करता है या बहुत टाइम लगाता है। तो क्यों ना हम राइट टाइम पे राइट काम करें, उससे भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको अपना सबसे पुराना प्लूमेरिया का प्लांट दिखाना चाहती हूँ, जो करीब 16 से 17 साल पुराना है, मेरा पहला प्लांट है। और अभी आप उसकी ग्रोथ देखें कि किस कदर इसकी ग्रोथ है, आप इसका स्टेम देख के ही अंदाज़ा लगाएंगे। और ये करीब 18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है हर साल। ये मुझे अपनी फ्लावरिंग से ज़रूर आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि आप देखें कि गमले में भी कितनी खूबसूरती के साथ, ग्रो बैग्स में भी कितनी खूबसूरती के साथ ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये लगातार आप देखेंगे 3 से 4 महीने तक इसी कदर इसमें फ्लावरिंग होती है। और एक प्लस पॉइंट भी है कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। जब आप मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में अपने छत पे आएंगे तो बहुत बढ़िया स्मेल आपके पूरे गार्डन में फैला रहता है। मेरे पास इसकी 3 वेराइटी है, एक वाइट है, एक ये पिंक एंड येलो है और एक रेड कलर की वेराइटी है। और भी आपको बहुत सुंदर सुंदर आजकल तो बहुत सारे आते हैं तो नर्सरी में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, प्लूमेरिया के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप खिले हुए ये फ्लावर देख करके ही इसे लाएं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि किस कलर के फ्लावर हैं और फिर हो सकता है कि वो फ्लावरिंग करने में काफ़ी टाइम ले ले। अब जो मैं प्लांट आपको दिखाने जा रही हूँ उसमें फ्लावरिंग तो अच्छी होती ही है, एक और बेनिफिट है कि वो बर्ड्स को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है, वो है टिकोमा। टिकोमा में भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। आप देखें, ये भी मेरा बहुत पुराना प्लांट है और इसमें आप देख सकते हैं कि कलियां बन रही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरा ही फ्लावर से भर जाता है। अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है इसलिए आपको थोड़े बहुत फूल इसमें दिख रहे होंगे। ये भी पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता रहता है। तो टिकोमा एक बेहतरीन ऑप्शन है गार्डन में इंक्लूड करने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में। और जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहते हैं वहाँ तो ये सालों भर फ्लावरिंग करते रहते हैं। अब जो मैं प्लांट आपको दिखाने जा रही हूँ वो ओलियंडर का प्लांट है और ये भी बहुत हार्डी और बहुत कम मेहनत में, बहुत कम मेंटेनेंस में, बहुत कम फर्टिलाइज़र, मतलब हर मामले में ये बेहतरीन प्लांट है, कभी भी ख़राब नहीं होगा। और आप इसके ये इस फ्लावर को देखें, ये गुलाब की तरह दिखते हैं गुच्छों में और अभी से काफ़ी लंबे समय तक ये प्लांट में बने रहते हैं। इसके बाद आता है मोगरा। मोगरा हम सब का फेवरेट प्लांट है क्योंकि इसकी खूबसूरती जितनी नहीं है उतनी ज़्यादा इसमें इसकी खुशबू से आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये वही मोगरा है जो मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि इसकी केयर कैसे की जाती है। और ये लगातार तकरीबन 1 महीने से मेरे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहा है और ये प्लांट सबसे बढ़िया है गर्मी के लिए, इसे ज़रूर लगाएं। आप एक प्लांट भी अगर अपने बालकनी में रख देंगे तो उसकी खुशबू से आपका पूरा रूम महक उठेगा, इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। उसके बाद आता है, अभी ये सब जो प्लांट मैं आपको बता रही हूँ ये नर्सरी से लाने का बेस्ट टाइम है ये। और उसके बाद आता है ये डबल चांदनी है और इसके फ्लावर जितने खूबसूरत और डेलिकेट होते हैं उतनी ही भीनी भीनी इसमें खुशबू भी आती है। ये भी मेरा बहुत पुराना प्लांट है और इस समय से तकरीबन 1 महीने से ये खिल रहा है और लगातार 3-4 महीनों तक ये इसी तरह प्लांट में बने रहेंगे। हिबिस्कस भी गर्मियों का एक बहुत अच्छा प्लांट है। आप यहाँ पे देखें कितने तरह, जितनी भी वैरायटी है आप इस वक्त लगा सकते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन कलर कितना सुंदर है। और हिबिस्कस की ही एक और वैरायटी है, ये देखें रेड, इसको चिली हिबिस्कस भी कहते हैं क्योंकि ये ओपन नहीं होते और मिर्च की तरह दिखते हैं और ये भी काफ़ी हार्डी होते हैं। इसके बाद मेरा दूसरा वहाँ पे आप देख सकते हैं वो देसी वैरायटी है, देसी वाले भी काफ़ी हार्डी होते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी जो इस वक्त लाने का, नर्सरी से लाने का सबसे अच्छा टाइम है। इसके बाद आता है बोगनविला। बोगनविला को आप तपती गर्मी में भी लगा सकते हैं और ये रुक रुक करके लगातार फ्लावरिंग करता है। जितना कम देखभाल आप इसको करेंगे उतना ही बेहतरीन फ्लावरिंग ये करता है।
तो अगर आपके पास कम समय है आप इसको लगा सकते हैं। आप देखें पीछे के साइड में जितना भी आप देख रहे हैं वो सब मेरे बोगनविला का प्लांट है। अभी इसमें थोड़ी कम फ्लावरिंग हुई है लेकिन फिर कुछ टाइम रुक के 10-15 दिन रुक के ये फूलों से भर जाते हैं। आप गर्मियों में लगने वाले वाइन भी लगा सकते हैं जो परमानेंट होते हैं, और ये देख सकते हैं ये मंडेविला है और ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं। इसको आप किसी भी जगह चढ़ा सकते हैं एज अ क्रीपर, और ये बहुत गुच्छे में बंच में फ्लावरिंग करते हैं। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं तो इसको इस समय आप इन गर्मियों में ला सकते हैं और लगा सकते हैं। इसे देखें मैंने अपने इस हिबिस्कस पे चढ़ा रखा है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। कभी कभी मेरे इस हिबिस्कस में इतने सारे फ्लावर खिले होते हैं, आज थोड़े कम हैं लेकिन हिबिस्कस में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। गर्मियों का एक और खूबसूरत प्लांट ये देखें अलमांडा। आपको बहुत बार मैंने इसे दिखाया होगा और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैंने इसे थोड़ा सा शेड दे दिया है जिसकी वजह से ये दोबारा फ्लावरिंग कर रहा है। ऐसे ये जनरली बारिश के मौसम में फ्लावरिंग करता है लेकिन थोड़ी सी देखरेख और पार्शियल शेड में रखने पे ये भी एक गर्मी का बहुत बढ़िया प्लांट है। इसमें भी बहुत कलर आपको ऑप्शन मिलेंगे। हार्डी होते हैं, बहुत कम केयर मांगते हैं, तो इसको भी इस समय आप नर्सरी से ला सकते हैं। इस समय नर्सरी में आप लोगों को ये फायर क्रैकर भी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है इसके बनिस्पत ठंड के, क्योंकि ठंड में ये थोड़े से कम फ्लावरिंग करते हैं। इस समय गर्मी में लगातार 15-20 दिन रुक रुक करके ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग इसमें लगातार इस तरह से बनी रहती है। इसमें एक रेयर वेराइटी भी आती है वाइट कलर का, और एक क्रीम कलर की क्रीम कलर के फ्लावर भी आते हैं। तो देखें आपको जो भी अवेलेबल हो आप ज़रूर ले लें। तो ये थे समर में गर्मी बहुत ज़्यादा हीट में भी खिलने वाले कुछ हार्डी फ्लावरिंग प्लांट। मैंने आप लोगों को वही प्लांट दिखाया है जो इस समय मेरे गार्डन में खिल रहे हैं मई के मंथ में, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि ये प्लांट अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो इसी तरह से हॉट क्लाइमेट में खिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।